ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने तीनों इफेक्ट्स को वन बाय वन देख लिया है. नाउ हम प्रॉपरली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. बेसिकली ली चैटलेट्स प्रिंसिपल का एडवांटेज ही यही है कि विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द एयर दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स दैट आर अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन 98% यील्ड. ऑल्दो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और इनकी नॉर्मल कंडीशंस पर बहुत ही लेस अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है. बट हम ली चैटलेट को प्रिंसिपल को अप्लाई करके 98% प्रोडक्ट्स जो है वो गेन कर सकते हैं. लेट सी द कंडीशंस. हैबर्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. ये देखिए हमारे पास ये हैबर्स प्रोसेस है जिससे अमोनिया जो है वो सिंथेसाइज करते हैं. ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड इट प्रोड्यूसेस 33% अमोनिया एट इक्विलिब्रियम एट नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है. बट अगर हम ली चैटलेट प्रिंसिपल को अप्लाई करें, ठीक है, द कंडीशंस ऑफ द ली चैटलेट प्रिंसिपल फॉर प्रोड्यूसिंग 98% यील्ड ऑफ अमोनिया आर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं. वो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. मींस कि अगर हम हाई प्रेशर को अप्लाई करें तो भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे मूव करेगा. टेम्परेचर को लो करें क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर को लो करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे मूव करेगा, ठीक है. अगेन हम यहाँ पर कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं वो जो भी जो रिएक्शन को फास्ट करता है. और अगर हम प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते रहें सिस्टम से, ठीक है, तो भी प्रोडक्ट आपस में कोलाइड करके दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसिस. बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में और देन सल्फर ट्राइऑक्साइड में और देन सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. इन स्टेप्स में से जो मिडल स्टेप है ये डायरेक्ट स्टेप नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है. और इस रिएक्शन को अब हमने ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल करना है. ऑल्दो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस सल्फर ट्राइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम एट नॉर्मल कंडीशंस, बट द कंडीशंस ऑफ ली चैटलेट्स प्रिंसिपल फॉर प्रोड्यूसिंग 98% यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आर अगेन हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट. अब यहाँ पर भी ये भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जो है वो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट है. और इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसलिए हाई प्रेशर से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, लो टेम्परेचर से फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा. कैटलिस्ट भी हमारे पास प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम अमाउंट बनाने में हेल्प करेगा. एंड द लास्ट वन कॉन्टिन्यूअल रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट. अगर हम प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन चैम्बर से रिमूव करते रहेंगे तो भी हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. द लास्ट पॉइंट जिसमें हम शॉर्ट नोट्स मेकिंग देखेंगे कि किस तरीके से आप करेंगे इनको, आपने नोट्स में किस नोट्स की फॉर्म में कैसे लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ली चैटलेट्स प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखेंगे, देन आप हैबर्स प्रोसेस के लिए जो भी कंडीशंस हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाने के लिए वो लिखेंगे, देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए जो भी ली चैटलेट्स प्रिंसिपल हैं फॉर गेनिंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट वो लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से आ सकता है. डिफाइन ली चैटलेट्स प्रिंसिपल एंड ऑल्सो मैंशन द कंडीशंस टू गेट मैक्सिमम यील्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस और सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ओके, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.